मामला पता क्या है, व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन द प्रॉब्लम इज यू माइट एंड अप ऑर्डरिंग अ बर्गर फॉर योरसेल्फ जब आप व्लॉग देखेंगे। अब पता नहीं वो कौन सा खुश नसीब बर्गर है जो आपके मैदे में डाउनलोड होगा। एनी हाउ, सीन इस तरह से है कि कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग बनाया, इंस्टाग्राम स्टोरी भी शायद कुछ लोगों ने देखी होगी। आई वॉज आस्किंग फॉर अ रिकमेंडेशन कि लाहौर का बेस्ट या फेवरेट बर्गर कौन सा है। बहुत से लोगों ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी, कुछ रिकमेंडेशंस ऑलरेडी मेरे माइंड में थी। तो उस दिन मैंने एक फूड व्लॉग बनाना था जिसका आइडिया मेरे माइंड में काफ़ी देर से था। कुछ लोग होते हैं उन्हें एक्सपेरिमेंट्स करने का बहुत शौक होता है, जैसे कि मुझे भी है, आप में से भी बहुत से लोगों को होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स का कोई दिन होता है, यू कैन नॉट चलते फिरते आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। तो मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत दिनों से ये प्लान बना रहा था कि हम लोग एक दिन सेलेक्ट करेंगे, बाहर जाएंगे, एक स्पेसिफिक खाने पीने की आइटम पकड़ेंगे और उस आइटम को मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ सिटी में जाके एक्सप्लोर करेंगे, ट्राई करेंगे। यानी कि रादर देन ईटिंग एट वन सिंगल रेस्टोरेंट, हम 8, 10, 12, 15 जितनी हमारे अंदर कैपेसिटी हम उतने रेस्टोरेंट्स में जाएँ, चीज़ें ट्राई करें, एनालाइज करें, रिव्यू करें, उनका स्कोर करें और देखें कि सबसे बेहतरीन रिजल्ट किसका निकलता है। तो इस आइडिया के ऊपर पहला व्लॉग मैंने बनाया बर्गर्स का। तो मैंने अपने साथ 3 दोस्तों को बुलाया, बर्गर्स खाने के लिए हम लोग बाहर निकल गए। हमने हर रेस्टोरेंट में जाना है और वहाँ से सिर्फ एक ही बर्गर लेना है, उसके बाद अगला बर्गर, उसके बाद अगला बर्गर, जितने मैक्सिमम बर्गर्स जो पॉसिबली हमें पता है कि अच्छे हैं या जो रिकमेंडेड है वो सारे ट्राई करने हैं। यहाँ आने से 4-5 घंटे हम बर्गर सिर्फ बर्गर खाने हैं। ओके। और हर रेस्टोरेंट से सिर्फ एक ही बर्गर खाना। आइडिया ये था कि हम 4 लोग होंगे और एटलीस्ट हम 12 डिफरेंट बर्गर्स ट्राई करें, सो डैट के पर हेड 3 बर्गर्स तो बनेंगे और इससे ज्यादा खाने की कैपेसिटी शायद मुश्किल हो। अब करना ये था कि हर रेस्टोरेंट में जाके एक बर्गर ऑर्डर करना था जो कि स्टाफ की रिकमेंडेशन थी या हाउस स्पेशलिटी थी। मील्स ऑर्डर नहीं कर रहे थे, बर्गर्स ऑर्डर कर रहे थे बाय इटसेल्फ, ताकि हमारा बर्गर्स का जो टेस्ट है वो भी इधर उधर डेविएट ना हो और हमने काफी ज्यादा बर्गर्स ट्राई करने तो फिर हमारे अंदर स्टेमिना नहीं रहेगा इतना ज्यादा खाने का। नहीं, पहले ये देखो ना कि किस किस को कौन कौन सा बर्गर पसंद है, कहाँ कहाँ का। बट सब लिस्ट बनाते हैं, आपको जितने नाम आते हैं आप उसमें सारे लिखते हैं पिक्चर्स में, इंस्टाग्राम स्टोरीज में और यूट्यूब में सारे बर्गर, सारी खाने की चीजें बहुत आला लगती है, लेकिन ओरिजिनली जो ऑनेस्ट ओपिनियन और रिव्यू होगा ना वो आज हम आपको सुनाएंगे। हमारा सबसे पहला स्टॉप था स्मैश डीएचए फेज 2। अच्छा, जो स्मैश का जो सिग्नेचर ना हुआ वेडेड शेख, अच्छा वो हम करेंगे। ये स्मैश एक ही है ना जिसकी गिरजा चौक भी ब्रांच है, वही है। आपका जो सब यार मेन्यू दिखा वो क्या है सर? वेडेड शेक एंड मॉन्स्टर शेक, डबल पैटी एंड ट्रिपल पैटी। एक वेडेड शेक करना आपने, एक वेडेड शेक सैंडविच, ओनली सैंडविच। ओके सर, टॉपिंग क्या लाइक करेंगे इसमें? लेटस, पिकल, अनियन, एलोपिनोस, ग्रिल अनियन, जो आपका नेचुरल आता ना। ये नेचुरल में सर बन पैटी पीस लाइक दिस, वो हमें चाहिए। नहीं, इसमें लेटस वगैरह कुछ नहीं है, लेटस डलवा लेते हैं, लेटस ऐड कर दो, लेटस ऐड कर दो। ठीक है, बस लेटस, ठीक है। हां Okay, जिस तरह आप बेस्ट बनाते हैं ना बस उस तरह से हमें बना के। रिंग ऑनियन भी लगवाए ना, फिर अच्छे आएंगे। बताओ ऑनियन डलवाना, डलवा दो, वो भी डलवा दो। कोशिश कीजिएगा जरा जल्दी ले आए, क्योंकि हम सारे लाहौर के बर्गर खाने निकले, हमने 14-15 बर्गर खाने, ये पहला खा रहे हैं हम। सर मैं बर्गर को हमने कट डाउन करना था 4 पीसेस में, चारों बंदों ने बर्गर ट्राई करना था। ट्राई करने के बाद हर बंदे ने आउट ऑफ 10 के स्केल से एक स्कोर देना था उस बर्गर को। अब हम लोग कोई प्रोफेशनल फूड कॉनेसोर नहीं है, लेकिन हमने ये गेम का टच इसलिए ऐड कर दिया ताकि ये सीन जरा ज्यादा इंटरेस्टिंग बने और एक फ्रेंडली कंपेरिजन हो जाए इन सारे बर्गर्स का, दो के सारे बर्गर्स की कैटेगरी डिफरेंट। आउट ऑफ 40 हर बर्गर का टोटल स्कोर निकलेगा और इन द एंड देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट स्कोर किस बर्गर का रहा। हम खुद कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। मैं ना साथ दो नाइफ लेकर आया था। कौन सी ठीक है बर्गर के लिए? ये वाली, राइट वाली। ये वाली? ये वाली? हाँ। ओए होए होए होए। अच्छा, पहले बर्गर का ना मैं वैसे ही टेस्ट बहुत कमाल आ रहा है, क्योंकि इस टाइम पे अच्छा, सबको भूख लगी है ना। क्या 3-4 बर्गर के बाद ना हां पेट फुल हो जाना। अच्छा, काटते हुए ना वो जितना को वो मजे का वो टेंडर हुआ हुआ है ना, ब्यूटीफुल यार, वो फील भी उसी तरह आ रही है। ओए होए, क्या कर रहा तू? ये व्हाट्सएप चेक करें, व्हाट्सएप करीब ला के जरा दिखाएं। ये जी बर्गर के हालात हैं, इसमें हमने टॉपिंग करवाई थी लेटस की और ग्रिल अनियंस की, है ना, ये दो चीज़ों की, ये जो कि रेगुलर बर्गर में नहीं आता था, ये ऐड ऑन है आई थिंक सो। ले तार साहब, शुरू करें फिर। यार स्नैप देख रहा, नजर लगा देगा। अच्छा, मजे की बात ये पहला बर्गर खाते हुए ना हमने कैमरा पकड़ा दिया स्नैप का, बस स्नैप कह रहा कि मुझे क्यों, हालांकि सबसे ज्यादा भूख उसी को लगी थी। मिर्च मसाले नहीं इसके पैटीज में ऐड,
ये रॉ बीफ जो है ना वो स्मैश किया हुआ है ग्रिल पे और बन बहुत आता बन के बगैर बर्गर मजे का बन ही नहीं सकता पोटैटो बन है तार साहब आपने कहा कि इसको नंबर भी देने ये थे नंबर पूरे ही हैं मैंने बर्गर बट साहब ने नहीं खाया खा लिया बहुत ज्यादा बर्गर था मजा आ गया लेकिन आई विश के ये चार तीन लोग साथ में होते और आप पूरा बर्गर खाते हैं जो सबसे बेस्ट होगा मैंने दोबारा खाना पूरा 9 मेरी तरफ से 9 है मेरी तरफ से 8 नंबर है मेरी तरफ से भी 8 है मेरी तरफ से 8.5 अब नेक्स्ट स्टॉप जी हमने लिया है डेली डेली खान जी कौन सा बर्गर ऑर्डर किया सर हमने ऑर्डर किया डीडी स्मोकी हाउस 150 ग्राम बस आते तो ट्राई करते हैं हां सैंडविच हर जगह से ले रहे हैं ना क्योंकि वो मील्स सारे फिर फ्राइज और ड्रिंक्स आए होते हैं डीडी सिग्नेचर कर लें लेकिन बाद में जो है वो फिर हमने डिसाइड किया कि डीडी स्मोकी हाउस इज द बेस्ट उन लोगों ने कहा उन्होंने ये रिकमेंड किया वो यार इतनी लेट यार अच्छा एक चीज मैं आपको पहले बताऊं कि हमने स्मैश से बर्गर लिया है और वो बर्गर लिटरली 4 मिनट में आया है अब डेली डेली का जो बर्गर है इट टुक अराउंड 25 मिनट्स इतनी देर में कढ़ाई आ जाती है तो बर्गर का तो कॉन्सेप्ट ये होता है यूजली कि फास्ट फूड है तो वो जल्दी जल्दी आपको मिल जाता है शुडंट टेक लाइक 25 मिनट्स उससे तो थोड़ा जल्दी हो बर्गर काटते काटते नीचे सीट ना काट लेना यार बिस्मिल्लाह अच्छा जी ये है स्मोकी हाउस डेली डेली का बर्गर देखने में अच्छा लगा लेकिन इंग्रेडिएंट्स और बन की क्वालिटी वाज नॉट क्लोज टू स्मैश अच्छा जी डेली डेली को मैं 5 दे रहा हूँ और उसमें 5 की एक रीज़न ये भी है कि बर्गर बहुत लेट आया इसमें हल्की सी बीफ की स्मेल भी थी स्मैश जो था उसमें मतलब आई डोंट माइंड बीफ की स्मेल वो एक नेचुरल फ्लेवर आता है उस हद तक वो ठीक होता है लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा जब एक्सीड कर जाता है तो वो फिर थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट हो जाती है तो इसमें वो भी था और इसकी पैटी का टेक्सचर उतना मज़ेदार नहीं था जैसे स्मैश का था बट मैं इसको पर्सनली 5 मार्क्स दे रहा हूँ अगर सिर्फ बर्गर को देता तो 6 देता लेकिन एज अ डेली डेली की पूरी सर्विस को 5 दी 7 मैं भी इसको 5 रेट करूंगा क्योंकि जो जैसे उसका स्मैश का पैटी मुंह में घुल रहा था ना हाँ। वैसे घुला नहीं इसका ये ऐसे घुला नहीं अच्छा जी मेन्यू है वैशी मंगवा लेते इनका आपका स्पेशल तो वैशी है ना वैशी मंगवा लेते वैशी सिंगल कर दें फिर एक और साथ आपने करना है मशरूम सॉस ठीक है और चिपोटले ग्रीक और मशरूम का ग्रीक और मशरूम का ग्रीक और मशरूम यहाँ पे बीफ का ऑप्शन नहीं है इसलिए हम यहाँ पे चिकन बर्गर ट्राई करेंगे वैशी जिंगर जो कि इनकी स्पेशलिटी भी है एंड पर्सनली दिस इज लाइक वन हैज बीन माय वन ऑफ वेरी फेवरेट बर्गर्स ओह यार इसका साइज उन सारे बर्गर से बड़ा दो ये है ये चिकन जॉनी जुगनू के क्रिस्पी वैशी जिंगर को देख के तबीयत फ्रेश हो गई थी और लिटरली इसकी वीडियो बनाते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि ये इस हसीन बर्गर की तौहीन है कि इसको इंतजार कराया जाए इसकी वीडियो बनाई जाए और इसको खाने में किसी किस्म का डिले हो इसका हक ये बनता है कि इसे फौरन खा लिया जाए चुपचाप स्मैश को दिए थे 8.5 डेली डेली को दिए 5 और इसको दे रहा हूँ मैं 8 इन्होंने जो मैं बर्गर बना के दिया है ना यार कमाल करते सुपर हॉट सॉस इतनी जबरदस्त टेस्ट आ रहा था चिकन जो था ना वॉज लाइक क्रिस्पी टू द फुलेस्ट लेवल तो यार अभी हम आए थे चौथा बर्गर अपना ट्राई करने के लिए ऑजी बर्गर पे मुझे 3-4 लोगों ने ये जगह रिकमेंड की थी इंस्टाग्राम पे मेरे कुछ दोस्तों ने भी कहा था हम लोग अंदर आए माहौल देख के इतना फिट सीन लग रहा था बर्गर्स निकल तो इतने आला लग रहे थे हमने वैसे एक टाइम पे हमारे माइंड में ये आया कि यार हर बंदा अपना अपना बर्गर ऑर्डर करता है बाकी बर्गर्स की देखी जाएगी खाए जाते हैं कि नहीं जाते ये बहुत कूल लग रहे हैं लेकिन फिर भी हमने उनसे पूछा आपका बेस्ट बर्गर कौन सा है उन्होंने रिकमेंड किया आउटबैक हमने करा लिया मील हम नहीं ले रहे क्योंकि हमसे इतना ज़्यादा बर्गर्स बनना खाए नहीं जाएंगे सैंडविच लिया सिर्फ जब पहुंचा बर्गर देखने में फिर भी प्यारा लग रहा था जैसे ही बर्गर हाथ में पकड़ा है थोड़ा सा फील डिफरेंट होना शुरू हो गई और खाया है तो उसके बाद रिमार्क्स बहुत डाउन है अब तक का लोएस्ट रेटेड बर्गर ये निकला यार इस बर्गर को टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं रेटिंग दूंगा 4 ये बिल्कुल ऑजी बर्गर नहीं है बिल्कुल टोटल डिफरेंट टेस्ट है वहाँ पे हर किस्म का स्मैश बर्गर आप लोगों ने ट्राई किया ये टोटली डिफरेंट था इसका टेस्ट मुझे नहीं पता इसका कौन सा टेस्ट था लेकिन ऑजी नहीं था जो इसकी चीज़ डिफरेंट थी ना
एक तो ये बंस जो थे वो कलर्ड थे, तो बन का ना जैसे आप पकड़ते थे, आई डोंट नो कि मैं उसको, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं टेक्निकल रीज़न ही दे सकता, जैसे ही आप पकड़ते थे बन को ना, अब वो चिपक जाता है, वो पतला सा हो जाता है, और उसके बाद ना उसका एक रबड़ी सा चिपका चिपका सा टेस्ट आता है। बर्गर के फ्लेवर में एक खटास थी जो कि उसके टेस्ट में पॉजिटिव ऐड नहीं था, वो एक पुट ऑफ कर रहा था खाते हुए, वो फ्लेवर मज़े का नहीं लग रहा था। जो मीट की क्वालिटी थी वो मैं कहूँगा कि अभी हमने जो पहले बर्गर्स खाए हैं स्पेशली स्मैश वाले से, उससे हमें हल्की लगी, हम गलत भी हो सकते हैं। मैंने माइंड में बिठा लिया था मैंने 3 रेटिंग देनी है, लेकिन जब मुर्शद ने कहा ना मैंने 5 देनी, तो मैंने कहा चलो मैं 4 दे देता हूँ। मतलब कि बड़ा टेम्पटिंग लग रहा था जब हम आए हैं कि बन बड़े खूबसूरत हैं, अंदर से जूसेस निकल रहे हैं, पता नहीं कैसा बर्गर है, लेकिन इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग। 4 भाई मैंने इसको रेटिंग दी है 4। अब हम आए हैं BRGR ट्राई करने के लिए। मुर्शद इसका हमने कौन सा ऑर्डर किया? हमने इसका किया भाई स्मैश बर्गर सिंगल पैटी। तो ये हमारा पेंटा है, ये हमारा 5वां बर्गर है, और बड़े मज़े का ये क्यूट सा स्ट्रीट फूड वाला वाइब देता है। इनका एक कंटेनर शेप में टेक अवे रेस्टोरेंट बना हुआ है। डाइनिंग के लिए कुछ ये 7 स्टूल्स लगे हैं, और मज़े की बात है कि यहाँ बैठ के आपने खाना है, ये सामने ग्रिल हो रहे हैं, बर्गर ज़बरदस्त, और वो बंस पड़े हुए हैं। बट साहब आप इतनी मोहब्बत से बर्गर को देख रहे हो ना यार बनते हुए, जैसे किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखो ना एक्सपीरियंस के लाइव ऑफ द ग्रिल, आप साथ बैठे हुए और खा रहे हो, मुंह में ना पानी आ रहा है उसको देख के ना, उसका अरोमा और क्या सूरत सही कह रहा है वाकई, और क्या उसका बन है, और मेरे साथ भी लिटिल बन बैठा हुआ है। हाँ जी खूबसूरत लग रहे हैं बर्गर, खूबसूरत लग रहे हैं। खान जी तो है ही खूबसूरत यार, वो तो पैदाइशी खूबसूरत है। वीडियो रेकमेंडेशन चली गई है। वीडियो रेकमेंडेशन बहुत ही प्यारी लग रही है। इसको आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर से, क्योंकि ये सिंगल पैटी है इसलिए ये बहुत बड़ा बर्गर आपको नहीं लग रहा, चेक नहीं लग रहा, फ्लेवर तो सेम ही आता है, टेस्ट भी सेम ही आता है सिंगल पैटी और डबल। और अब हमने क्योंकि अभी आगे भी काफ़ी बर्गर खाने हैं, बट लुक्स रियल गुड, बनते हुए हमने बर्गर देखा और बहुत प्यारा लगा। पैटी ऊपर से क्रिस्पी था, अंदर से सॉफ्ट था, 8 मिनट। मैंने स्कोर दिया है 7.5 मेरी तरफ से। मैं इसको दूंगा 8.5। अच्छा ये वेरी हाई रेटेड। और जनाब फिर बारी आई OPTP की। OPTP के साथ रिश्ता है पुराना, बचपन से, लिबर्टी मार्केट से, जब कोन वाली पैकिंग में इसके फ्राइज मिलते थे तब से, लेकिन बहुत अरसे से कोई सलाम दुआ नहीं थी। आज अरसे बाद मिलके मज़ा भी आया, और OPTP का बर्गर खा के लिटरली पता चला कि बचपन की दोस्ती वाकई सच्ची थी। यार ये बर्गर वैसे बड़ा प्यारा लग रहा था, जब मैंने अभी मैं ट्राई करने लगा हूँ, लेकिन जब मैंने पिक किया ना प्यारा ना, और ये मैंने सिंगल पैटी करवाया था, इसमें भी आपको डबल पैटी। इस बर्गर में ना मतलब एक स्टैंडर्ड टाइप का बर्गर है जैसे एक फास्ट फूड चेन्स का होता है, लेकिन इतनी अच्छी इन्होंने डिलीवरी दी है यार, मीट बन सॉस सब कुछ बैलेंस है, कोई एक चीज़ भी ना हल्की नहीं है इसमें। 10 out of 10 बहुत आला, मुझे तो बहुत आला लगा, बहुत आला बर्गर था। 8.5 मेरा स्कोर, मैं इसको स्कोर रेटिंग दूंगा 8। यार मैं भी इसको 8 स्कोर देता हूँ, और लिटरली दिल खुश हो गया, जो बचपन की यादें थी ना OPTP के साथ, आज बहुत अरसे के बाद खाया, बिल्कुल ट्रू स्मैश बर्गर वाली फील आई है। अल्टीमेट चाइल्डहुड बर्गर, नॉस्टैल्जिया। ये जनाब हमने कहा कि सारे जो थे ना वो दूसरे बर्गर्स चल रहे थे, तो अब देसी बर्गर भी हमने बीच में लिस्ट में ऐड करने थे, तो देसी बर्गर्स में हमने सबसे पहले
ट्राई किया है बर्गर कॉर्नर दो के जितने बर्गर्स हम ट्राई करें इनके सबका आपस में कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन जैसे वो कहते हैं ना कि एक फ्रेंडली रेस है, तो एक फ्रेंडली कंपैरिजन चल रहा है और हर एक को उसकी कैटेगरी में हम रेट कर रहे हैं आउट ऑफ 10। लेकिन यार चेक करें आप देसी बर्गर्स में भी ना इस बर्गर की क्लास बड़ी आला लग रही है और पकड़ के फील आ रही है प्रॉपर। हाँ जी ट्राई करेंगे फिर करें ट्राई। फ्राइज की वजह से मैं इसको रेट कर रहा हूँ 7, वैसे अगर फ्राइज अगर अच्छे होते तो मैं इसको 8.5 रेट करता। मैं इसको रेट करूंगा 9, नॉस्टैल्जिया वैल्यू फॉर मनी। यस वैल्यू फॉर मनी देखो ना, इतने 500 रुपए में आपको पूरा मील मिला है और वो बचपन की यादें मिली हैं, और क्या चाहिए। 8.5 क्योंकि बर्गर बहुत आला था, लेकिन फ्राइज के साथ वही जो हमेशा इशू आया है कि जब तक इनको कहा नहीं इन्होंने तब तक किया नहीं। अच्छा मैं इसको रेट करूंगा 7, वो इसकी अपनी कैटेगरी में, इसका किसी और से कंपैरिजन नहीं कर रहा। बर्गर बहुत मजे का था, बिल्कुल फ्रेश बना हुआ था, फ्राइज फ्रेश नहीं थे, लेकिन बर्गर की मतलब सारी चीजें जो थी ना दे वर लाइक गुड इनफ। और फिर हम पहुंचे इंग्लिश ट्री हाउस और यहाँ से हमने ऑर्डर किया यहाँ का फेमस स्मैश बर्गर। और जब बर्गर आया तो बर्गर की प्रेजेंटेशन अच्छी थी, बर्गर बहुत अच्छा लग रहा था, इंग्रेडिएंट्स क्वालिटी सब कुछ मतलब फर्स्ट अपीयरेंस पे सब कुछ अच्छा लग रहा था। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो ये कि पैटी जो है वो थोड़ी सी अंदर स्क्वीज नजर आ रही है और बन इज टॉसिंग आउट ऑफ द डायमेंशंस ऑफ पैटी। दो कि मुझे हमेशा बर्गर्स अच्छी प्रोपोर्शनेट डायमेंशंस में अच्छे लगते हैं, पैटी शुड बी लिटिल बिट आउट और बन से जरा ना बाहर निकल के छलक रही हो। अगेन आई एम नॉट प्रोफेशनल, मैं नहीं बता सकता कि इसकी साइंस क्या है कि अंदर क्यों है बाहर क्यों है, लेकिन खाने के बाद टेस्ट पता चलेगा कि बर्गर है कैसा। मुझे बर्गर बहुत अच्छा लगा है, कैरमलाइज अनियन मेल्टेड चीज टेस्ट बहुत अलग था, लेकिन वैल्यू फॉर मनी इतना नहीं था। कितने का था? 1500 रुपीज उन्होंने चार्ज किया है एक बर्गर का। यार मेरी तरफ से रेटिंग 8 है और मेरी तरफ से इसकी रेटिंग 7.5 है। अब हम आगे रीनास। रीनास का बर्गर भी फेमस है, मैंने पहले ट्राई भी किया हुआ है और आप में से काफी लोगों ने रिकमेंडेशन भी दी थी, तो फिर हमने ये भी ट्राई करना था। लेकिन रेस्टोरेंट जो था वो क्राउडेड था, पूरा फुल था और हम तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए आ रहे थे, तो हमने सोचा कि डाइन इन का वेट नहीं करते, ऑर्डर करते हैं और टेक अवे करके बर्गर टेस्ट कर लेते हैं। स्मैश, इसकी तो पैकेजिंग ही बड़ी प्रीमियम है। इधर ही पैसे पूरे हो गए आधे के, जो बात है साथ इसके चीज सॉस है ब्यूटीफुल यार। ये है जी बेस्ट पार्ट, वो तलाश जिसकी हमें थी। और ये बर्गर जो है ये भी डबल पैटी है, इसकी भी थिकनेस बड़ी खूबसूरत है। वहाब एक नशा है, वहाब एक नशा है और वहाब के हाथ में भी एक नशा है। आए 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 आए। ओए होए होए। लास्ट में भी गाइस उससे बहुत आला हो गया। पता नहीं कौन लास्ट में मुझे मजे नहीं लगा आपके साथ। ओए होए होए। फॉर हाउ मच? इसकी और ईटीएच के सेम प्राइस है। ईटीएच 1450 का था। ये भी 1450 का था। वहां हमने कैश पे बिल दिया था, यहां हमने कार्ड पे दिया था, 1300 हुआ। ब्यूटीफुल यार। रीनास को मैं दूंगा 8 मार्क्स, बर्गर बहुत अच्छा था, टेस्ट बहुत अच्छा था, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉसेस बहुत अच्छा था। 8.5 रीनास का 8.5। या मैं रीनास को 8 दूंगा। अब हम लोग आए हैं BYOB जो कि DHA फेज 8 लाहौर में है। यहाँ पे हमने स्मोकी हाउस की इनकी स्पेशलिटी है वो बर्गर ऑर्डर किया है। लेट्स सी हाउ इज दिस एक्सपीरियंस। और BYOB में जब आप आते हैं तो ये वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके नतीजे में डिसाइड होता है कि आपका ट्रिप कैसा रहेगा। बर्गर बहुत खूबसूरत लग रहा था, देखने में बहुत अपीलिंग था और बर्गर के इनिशियल इंप्रेशंस सारे परफेक्ट थे। जितने भी बर्गर मैंने खाए ना, हाँ। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उसकी एक बाइट ली है सिर्फ, हाँ। और छोड़ दिया, क्योंकि उसकी पहली बाइट में बीफ का कोई टेस्ट ही नहीं था, बॉइल्ड बीफ लग रहा था। सेकेंडली हाँ। दो के बॉइल्ड तो नहीं था लेकिन आपको लग रहा, हाँ। उसमें से जूसी नहीं था वो, उसमें से पानी सा आया मुँह में ना, मुझे फील हुआ है। सेकेंडली सॉसेज का ब्लेंड इतना था, कुछ समझ नहीं आ रही थी टेस्ट की, हाँ। और तीसरी बात ये है कि इतना ओवर प्राइस बर्गर मैंने पैसे इसको 3 देने थे, अभी भी 1750 का 1750 का बर्गर था, मील था विद मील, हाँ। और क्या स्कोर है?
मैं इस बर्गर को 5 मार्क्स देने वाला था जब मैंने बिल नहीं देखा था, लेकिन जब मैंने बिल देखा तो मैं इस जगह को 3 मार्क्स दे रहा हूँ, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी है ही नहीं, ना कोई एम्बियंस बहुत अच्छी है, ना कोई बर्गर को इतना आउट क्लास था। यार मैं इसको 4 स्कोर करूंगा, क्योंकि देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा था जब बर्गर आया ना, अपील कर रहा था उसका डिज़ाइन इतना, मतलब बड़ी इतना कूल वाइब दे रहा था। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि जब कोई चीज़ बहुत खूबसूरत लग रही होती है उसमें इंग्रेडिएंट्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं, ओवरलैप कर रहा होता है, एट द एंड वो टेस्ट थोड़ा सा ना डाउन हो जाता है जब इतनी ज़्यादा चीज़ें बीच में मिक्सअप हो जाती हैं। तो टेस्ट वॉज लाइक बड़ा ही बेसिक सा, नॉर्मल सा था, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अबाउट इट। गाड़ी में खाओगे तो मैं ऑर्डर लूंगा, अगर अंदर बैठ के खाना है अंदर से ऑर्डर करना पड़ेगा। अच्छा, कौन कौन सा बर्गर है आपके पास? नाई बर्गर है, टिक्का बर्गर है, ग्रिल बर्गर है, जिंगर है, और शामी स्पेशल और शाम बर्गर। सबसे स्पेशल कौन सा? नाई बर्गर। हाँ, फिर मलाई मार के मलाई बर्गर जल्दी से ले। खान बर्गर का नाम पहले जिंदगी में कभी नहीं सुना था, लेकिन एक देसी बर्गर की रिकमेंडेशन थी, उसके ऊपर हम यहाँ पहुँचे। आके देखा कि ये क्या सीन चल रहा है यहाँ पे यार, एक फुल टाइम मिक्स किस्म का देसी सा रेस्टोरेंट है जिसमें हर चीज़ ही बन रही है, देसी खाने भी हैं, फ्रूट चाट भी है, सब्जी भी है, बारबेक्यू भी है, शॉर्मा बर्गर, हर चीज़ चल रही है। इट्स लाइक अ फूड मॉल या फूड का ना कोई बाजार टाइप मेला लगा हुआ है, खचा खच रश से भरी हुई मंडी लग रही थी। जो बर्गर हमने ऑर्डर किया था वो बिल्कुल ना कुछ 4-5 चीज़ों का मिक्स था, लेकिन मिक्स करके भी वो मज़े की वाइब दे रहा था। इट वाज़ लाइक हाइब्रिड बर्गर, शॉर्मा और बर्गर को दोनों को मिक्स करो तो जो नतीजा निकलता है, इस तरह की चीज़ थी, प्लस मलाई बोटी का फ्लेवर। कैसा लगा? ठीक है यार, बहुत अच्छा। अच्छा, कितने शॉर्मे रोज बनते होंगे यहाँ? 1500 से 2000 शॉर्मे, और बर्गर 1000 निकलते होंगे? 1000-1500 सबसे बिकने वाली चीज़ के बर्गर और शॉर्मा और दही मलाई क्रीम। डिफरेंट चीज़ थी, जैसे आम बर्गर होते हैं वैसे नहीं था, देसी बर्गर था, एम्बियंस बहुत अच्छी थी, मॉल बड़ा मज़ेदार किस्म का था। हाँ, मेरी रेटिंग है 7। मेरा 7.5। मेरा स्कोर 7 है। चीज़ बड़ी यूनिक थी, डिफरेंट थी, आपको लगेगा शॉर्मे का और बर्गर का बिल्कुल ना ब्लेंड था, तो मेरा स्कोर भी 7 है इस पूरे माहौल और पैकेज के हिसाब। अब यार 11 बर्गर खाने के बाद लिटरली हमारी तो गई थी बस, लेकिन फिर भी हमने लास्ट देसी बर्गर ऐड किया हुआ था रिजवान बर्गर का। सबसे अच्छी चीज़ रिजवान बर्गर के बारे में ये है कि देसी बर्गर्स में आप जितने भी बर्गर ट्राई करेंगे, सबसे ज़्यादा हाइजेनिक सिस्टम, ऑपरेशंस, किचन और आपकी प्लेट तक पहुँचने वाला प्रोडक्ट आपको इनका लगेगा। बर्गर हमने ट्राई किया, लेकिन लास्ट टाइम पे हमारे अंदर वैसे हिम्मत नहीं थी, और क्योंकि ये बर्गर हमने पहले भी ट्राई किया हुआ है और इस टाइम पे एज अ 12th बर्गर ओपिनियन थोड़ा सा बायस हो सकता था, तो हमने अपने पिछले एक्सपीरियंस और आज के करंट एक्सपीरियंस को मिक्स करके इसका स्कोर निकाला। अब इन द एंड जो स्कोर्स निकले हैं वो बहुत एक्साइटिंग है। चिकन की कैटेगरी को हमने अलग कर दिया क्योंकि जॉनी एंड जुगनू ने बहुत ही कमाल स्कोर लिया। ओवर स्कोर टोटली ऑनेस्ट था, उस टाइम पे जो बर्गर हमारे हाथ में आया था डैड वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अब वो पता नहीं उन्होंने कैमरा और माइक देख के बहुत अच्छा बर्गर हमें दिया या वैसे उनका बर्गर बहुत आला। सेकेंडली ओपीटीपी एंड स्मैश बिल्कुल नेक टू नेक थे। स्कोर लिखने के बाद हमें पता नहीं चला कि वैसे ओपीटीपी 1 पॉइंट ऊपर कैसे निकल गए, लेकिन हम अपने माइंड में यही अज्यूम करके बैठे थे कि आज का बेस्ट बर्गर स्मैश है। तो जनाब ये था हमारा एक्सपीरियंस, आपको कैसा लगा? डू लेट अस नो योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन बिलो। हमें ये काम करने में बहुत मज़ा आया, और इसमें एक फ़न पार्ट ये था कि हम जो साथ साथ स्कोर अटैच करते जा रहे थे हर एक्सपीरियंस का, इन दी एंड वो कंपैरिजन बहुत मज़े का निकला। अब इस सारे प्रोसेस में हमने सिर्फ 12 बर्गर ट्राई किए, आउट ऑफ विच वी कैन नॉट डिक्लेयर कि लाहौर का बेस्ट बर्गर कौन सा है, क्योंकि ये वाले सारे एक्सपीरियंसेस DHA और गुलबर्ग के एरिया के आसपास थे, और हम सिर्फ लाहौर के एक ही पार्ट में मूव अराउंड करते रहे। अब लाहौर 2 करोड़ की आबादी का शहर है, इट्स लाइक अ स्मॉल कंट्री। अगर पूरे लाहौर के बर्गर छान मारने हैं तो एटलीस्ट हमें 100 बर्गर ट्राई करने पड़ेंगे। सो व्हाट आई एम थिंकिंग नाउ इज कि यार ये काम करने में मुझे बहुत मजा आया, अगर मैंने इस तरह की और वीडियोस बनाई तो सम टाइम लेटर इस बर्गर वॉर का पार्ट 2 जरूर आएगा, जिसमें हम कोई नए 12 बर्गर ट्राई कर लेंगे जो हमने पहले ट्राई ना किए हो इन सम अदर पार्ट ऑफ लाहौर, एंड देन द 3rd पार्ट इन सम अदर पार्ट ऑफ लाहौर। तो सम डे करते कराते हम किसी दिन 100 बर्गर तो ट्राई कर ही लेंगे, और वो दिन होगा जिस दिन डिक्लेयर करने की पोजीशन में हम होंगे द बेस्ट बर्गर ऑफ
फ्लॉर। अब अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, लेट्स सी कि मैं मजीद इस तरह की वीडियोस, मेरे माइंड में इस तरह के बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हैं एंड आई रियली वांट टू डू दिस बिकॉज बड़ा मज़ा आया, एक एक्साइटिंग गेम की तरह लग रहा था ये सारा कुछ। मेरी लिस्ट पे अभी लाहौर का बेस्ट बारबेक्यू ढूंढना है, मेरी लिस्ट पे लाहौर की बेस्ट कॉफ़ी ढूंढना है, मेरी लिस्ट पे लाहौर का बेस्ट डिजर्ट ढूंढना है, लाहौर का बेस्ट पिज्ज़ा ढूंढना है, मेरी लिस्ट में लाहौर का बेस्ट नाश्ता ढूंढना है। एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट योर रिकमेंडेशन, डू यू वॉन्ट सी सच मोर वीडियोज ऑन द चैनल और नो। तो इसी के साथ साथ इजाजत चाहता हूँ, थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड एंजॉय योर बर्गर। अल्लाह हाफ़िज़।